हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गर्मी जो है बढ़ चुकी है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा नेचुरल सोर्स, यानी एक ऐसा नेचुरल स्विमिंग पूल जिसको देख के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो आइए चलिए। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ बुआड़ में, और जो हमारा स्रोत है पानी का, ये बार बार दिखा चुका हूँ, तो इससे भी एक अच्छा और तगड़ा स्रोत है गर्मियों से, गर्मियों में मतलब एंजॉय करने का, चिल फन करने का। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। तो चलिए, तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं नया नदी के किनारे। ये नया नदी है और आज हम इसमें डुबकी लगाएंगे, और अपने गर्मियों में जो एंजॉय होता है ठंडी का, चिल फन मस्ती करने का, तो आज हम वही करेंगे। तो चलिए। हाय करो। हाय 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 हाय। मयूर जंप करने की तैयारी में। मयूर कूद, 1 2 3। देर तक सांस रोकता है तो ठीक है, तेरे सांस के नहीं है, चल बैठ नीचे। 1 2 3। तो ये हमारे छोटे भाई हिमांशु, और ये क्रिकेट में ज़्यादा इनकी रुचि है, तो इनसे थोड़ा पूछेंगे। तो कल CSK के हारने की वजह क्या रही? तो यहाँ पे कल ऋतुराज गायकवाड ने चले यहाँ ओपनिंग में, और जो कि शून्य पर आउट हो गए यहाँ पर, जो कि जल्दी उन्होंने 3 विकेट गवाए और उन्होंने 2 और विकेट गवाए कल, जो इनकी वजह से धोनी और जडेजा एक पारी को संभाल पाए। तो हारने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यही था कि अगर CSK अगर थोड़ा बड़ा स्कोर बनाती, 190 या फिर स्कोर बनाती, तो यहाँ पर काम बन सकता था कल। हार का कारण वही था। हार का कारण कौन, ऋतुराज गायकवाड या कोई और? ऋतुराज गायकवाड जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप स्नान का मज़े करें। तो आपको क्या लगता है कि इस बार IPL कौन उठाएगा? तो मैं इस बार IPL खिताब हुआ मुंबई इंडियंस उठाएगी, क्योंकि मुंबई है उनके पास खेलने वाले पोलार्ड हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, और इस साल कौन प्लेयर टूर्नामेंट में चलने वाला है? इस बार मुंबई है, इस बार मुंबई। तो प्लेयर कौन सा चलेगा? रोहित पोलार्ड। और गेंदबाजी में कौन अपना जलवा दिखाएगा? गेंदबाजी में दिखाएंगे अपना जलवा, इस बार तो हार्दिक पांड्या भी है नहीं, हार्दिक पांड्या है गुजरात टाइटंस में, तो इस बार मुंबई में गेंदबाजी में नए नए गेंदबाज हैं, अभी उनका नाम पता नहीं है, तो अभी नाम सोच के आना पड़ेगा मेरे को। तो बुमराह मेरे हिसाब से, हाँ जसप्रीत बुमराह है, जो पर मैं अगर 5 विकेट झड़कते हैं तो यहाँ पे उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट जरूर मिलेगा जी। धन्यवाद। तो सभी लोग गर्मी का इंजॉय नदी में जाकर कर रहे हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे बने हुए हैं, और हमारे नन्हे मुन्ने स्विमर भी हैं साथ में। हेलो। तो लोगों की काफ़ी डिमांड में पुष्पा जो फेमस है, ये चर्चित भाई हिमांशु भाई, तो उनका एक डायलॉग है, तो आप भी सुन लीजिए। पुष्पा पुष्पा रा भाई झुकुंडी मिन साला। तो आप सभी लोग जो बुआड़ का जो शुद्ध पानी है वहाँ पे स्नान करेंगे, क्योंकि जो नया नदी का पानी है उससे थोड़ा सा स्किन जो ड्राई हो जाती है। तो अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे बुआड़ की ओर, जो कि हमारा नेचुरल सोर्स है, तो सब लोग यहाँ पे नहाएंगे बारी बारी से, एकदम चिल्ड पानी आता है, काफ़ी भीड़ है। छोटी छोटी गिर जाते हैं, गिर गया।
कपड़े भी धोना भी आएगा नहीं आपको करनी है तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया अपने घर के नज़दीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको मैं यही दिखाना चाह रहा था जो हमारी धरोहर है नयार घाटी की, जो नदी है उसमें गर्मियों के मौसम में कितने लोग यहाँ पे आते हैं और कितने लोग मज़े लेते हैं। उसमें एक नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा यह है कि आप स्विमिंग करके अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो या और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हो पानी के अंदर या इन्जॉय कर सकते हो। बट उसमें एक दिक्कत यह है कि डूबने का भी इसमें खतरा है। तो कृपया यहाँ नयार घाटी में जब आएँ तो अकेले ना जाएँ नदी में, किसी के लोकल बंदे को साथ लेके जाएँ। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।